हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कुकिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू बैंगन सब्जी की रेसिपी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। अब इसमें डालेंगे मेथी दाना और राई। मेथी दाना और राई, इन दोनों का जो टेस्ट आता है तड़के में बहुत ही बढ़िया होता है। अब इसमें डाल दिया है मैंने हींग। अब इसमें ऐड करेंगे लाल हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट में अगर आप देसी लहसुन का इस्तेमाल करते हो तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बैंगन डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू और साथ में ही थोड़े टमाटर भी ऐड कर लेंगे। अब हम सारी सब्जियों में मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च क्योंकि हमने पहले भी थोड़ा मिर्च पेस्ट ऐड किया है, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर आपको अच्छा सा कलर चाहिए तो काश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारे मसाले को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पैन को 7-8 मिनट के लिए कवर कर देंगे और सब्जियों को कुक करने के लिए हम छोड़ देंगे। इस तरह से सारी सब्जी अपने आप ही थोड़ी गल जाती है, जो इसमें पानी होता है वो थोड़ा निकल जाता है और थोड़ी पक जाती है सब्जी, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसी तरह से पानी यूज़ किए भी हम सूखी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा पानी गर्म कर लिया था, यह इसमें डाला है। इससे सब्जी जल्दी पक जाती है और बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसे पकने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी बढ़िया सी बैंगन आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसमें रहे जो बैंगन और टमाटर को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। और लास्ट में हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जब आप इसे लास्ट में डालते हैं। अब हम इसे धनिया और ग्रीन गार्लिक के साथ गार्निश कर लेंगे। ये बनकर तैयार हो गई है सब्जी हमारी। इस सब्जी को आप रोटी या परोठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल।